आज का रेसिपी बहुत गजब होने वाला है दोस्तों। ये वीडियो पूरा एंड तक देखिए और फ़ायदा हो जाए आपको 199। कैसे आपको 199 मिलेगा मैं आखिर में बता रहा हूँ। इस वीडियो को पूरा वॉच करें और मज़ा लीजिए कैसे बनाया जाता है बटर चिकन। ये सिंपल तरीका है, मेरे नए सिस्टम पे उतना ख़ास कुछ नहीं है, फिर भी चलो शुरू करते हैं। दोस्तों मैंने 900 ग्राम फ्रेश चिकन लिया, उसको अच्छा से काटा, फ्रेश करके रखा हूँ, उसको धोया, साफ़ करके मीडियम करके कर दिया। आप अपना हिसाब से अदरक लहसुन का पेस्ट बनाए, मैं मेरा हिसाब से बना लिया। मैं ज़्यादा मसाला नहीं खाता हूँ दोस्तों, फिर भी मैं अपना हिसाब से तैयार कर रहा हूँ। क्यों, मुझे सुंदर नहीं चाहिए, काम चाहिए। प्याज मैंने 3 पीस मीडियम से इसका काट लिया और आपके सामने बिस्मिल्लाह करके बैठने जा रहा हूँ। तेल अपना हिसाब से 2 पीस दे रहा हूँ, ज़्यादा तेल नहीं दूंगा क्योंकि 40-50 ग्राम वहीं पे बटर भी पड़ेगा ना। बटर चिकन बनाने जा रहा हूँ। इसमें प्याज ब्राउन करने के लिए प्याज डालने के बाद हल्का सा नमक दीजिएगा, मैं दे देता हूँ नमक ताकि फटाफट हो जाए प्याज। तो दूसरी स्टेप में हम लोग करने जा रहा हूँ, देखे काला मसाला कहो गरम मसाला कहो कुछ भी कहो यार, 5-6 दाना इलायची, लौंग 10-12 दाना, आपको काली मिर्च, साबुत धनिया, जीरा और तेज़पत्ते, लाल मिर्च, मुझे तो तीखा चाहिए ना, मैं लाल मिर्च को भी उसको अच्छी तरह ग्राइंड करूँगा दूसरे में। दोस्तों हरी मिर्च भी ले लिया 4, ये 1 टमाटर से बनाऊँगा। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा दे देते हैं टमाटर, मुझे नहीं चाहिए। तो मैं आसान तरीके से चिकन मसाला यूज़ करता हूँ, कारी मसाला यूज़ करता हूँ और ये रेड चिली पाउडर, ये आपको हल्दी पाउडर, ये जीरा पाउडर और ये धनिया पाउडर 2 चम्मच दे रहा हूँ। धनिया थोड़ा ज़्यादा देता हूँ, देखिए इसको मैं, और ये जो है आपको क्या है दालचीनी का पाउडर, ये खड़े मसाला में मैं यूज़ करूँगा। और इसको पानी देखिए थोड़ा टाइम के लिए रख दूँगा ताकि ये नरम हो जाए, क्योंकि हम लोग बटर चिकन बनाना है ना, तो इसको नरम हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। 10-5 मिनट के लिए इसको उधर रख दे रहा हूँ और दूसरा काम शुरू करता हूँ दोस्तों। वो भी हम लोग उसको, मैं बहुत मेहनत करके उसको बनाना पड़ता है क्योंकि मेरे पास लोहे का नहीं है, लोहे का बनाना पड़ेगा, वरना मैं तो ऐसा नहीं है, मैं तो पाउडर ही यूज़ करता हूँ। सो दोस्तों अभी मैंने मेरा हिसाब से जो पेस्ट बनाया हुआ रखा था वो दे रहा हूँ, अदरक लहसुन का पेस्ट और ये 1 टमाटर। ज़्यादा टमाटर मत दो, ज़्यादा बहुत यूट्यूबर कहता है रेसिपी वाला 4-5 दो 4-5 दो, ये सब कलर के लिए होता है, खूबसूरत के लिए होता है, लेकिन टेस्ट के लिए टमाटर ज़्यादा फ़ायदापन नहीं लगता मुझे दोस्तों। ये ग्रेवी उतना ही, अगर दूसरा कोई यूट्यूबर बनता तो बहुत कुछ का ग्रेवी बना देता, लेकिन मुझे ऐसा नहीं है, मेरा चैनल ऐसा नहीं है, कोई रेसिपी वाला नहीं है। उसको मैंने दही डाला, 100 ग्राम तकरीबन दही दिया और अभी चिकन को डाल दिया। चिकन को अच्छा से पकाए आप, जितना हो सके चिकन का जो पानी है और दही का जो पानी है वो दोनों का साथ आप पकाए, अपने हिसाब से पकाए। मुझे इतना क्वालिटी नहीं आता वीडियो बनाना, लेकिन मैं दिखा रहा हूँ आप लोग को। हल्का सा नींबू दे दिए, नींबू देने से क्या होता है, नींबू से आपको जो चिकन है वो जल्दी नहीं फाटेगा या टूटेगा नहीं, टाइट ही रहेगा। नींबू का जो जूस है उसने काम कर देता है, बहुत टाइट कर देता है दोस्तों। तो इसको मैं मेरा हिसाब से कुछ टाइम पकाया, पकाने के बाद जो मसाला रखा हुआ था उसको मैंने ऐड कर रहा हूँ। कलर इसलिए ज़्यादा लाल नहीं हुआ क्योंकि हम लोग दे दिया ना दही, इसीलिए लाल नहीं हुआ, फिर भी पकाया। अभी मसाला दे दिया, मसाला को अच्छा से आप लोग भूने, 10-12 मिनट अपना हिसाब से भूनते जाइए और इसको रखें। तो मैं मेरे हिसाब से रखा हूँ और कलर आने लगा, हल्का सा नमक देना। तो वीडियो करने में आगे पीछे हो जाते हैं, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, मैं ऐसे भी नया यूट्यूबर हूँ। तो आखिर में जो फिनिश टाइम है, ये फिनिश टाइम है, बहुत टाइम बाद मैंने तो बात अभी एडिट कर रहा हूँ, लेकिन काम तो पहले कर लिया ना। फिनिश टाइम में बहुत टाइम उसको रखा, 10-15 मिनट फिर से रखा, यानी 20 मिनट हो चुका है। और अभी इसमें जो बटर है, बटर मैंने 2 टुकड़े इसको काट के, यानी ऐसे कुछ ग्राम होगा मान लो, उसको मैंने दे रहा हूँ, उतना ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ भाई, वरना तो भाई मोटावा बन जाऊँगा। मोटा होना नहीं चाहिए, ज़्यादा बटर खाने से मोटा हो जाता है, इसे भी तगड़ा बहुत हूँ। फिर भी हिसाब से उसको देने के बाद जो काले मसाला बना करके रखा हूँ उसको मैंने ऐड कर लिया। यहीं पे खुशबू आएगा, बहुत अच्छा खुशबू आएगा इसी पे, क्यों हल्का सा, ज़्यादा ना करो वरना वो जो खूबसूरत खुशबू है वो चला जाएगा। हल्का सा पकाने के बाद उसको वहीं पे ऐड कर दे रहा हूँ, जो रेसिपी तैयार किया हुआ है वहीं पे ऐड कर दे रहा हूँ। यही रेसिपी मेरे एक भाई, बहन और मेरा एक खाला को मैं खिलाया,
यहीं से। तो खाला ने बहुत तारीफ़ किया, बेटा तो बहुत गजब बनाते हैं। तो यही खाला मेरा पाकिस्तान का है, खाला भाई भी मेरे पाकिस्तान के हैं, उन लोग ने खाया, मुझे बहुत तारीफ़ किया दोस्तों, ये ऐड कर दिया मैंने और बहुत मज़ा आया मुझे। आप सब का भी तारीफ़ होना चाहिए जो रेसिपी के ऐसे सिंपल से, उतना कुछ नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मैं सब कुछ यहाँ चिकन मसाला में है ना दोस्तों, हम लोग प्रवासी है, यहीं पे जैसे है ऐसे चलाना चाहिए। तो दोस्तों यहीं पे बता दे रहा हूँ 199 आपको कैसा मिलेगा। आप इस वीडियो को कमेंट कीजिएगा, एक कमेंट कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि आपका लाइक आपका फुल वॉच तो करना ही पड़ेगा। अगर कट कट करके स्किप करके देखा हो तो आप गलती किए, फिर से ये वीडियो को पूरा वॉच करें और लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, एक कमेंट करें। हम लोग कमेंट के ऊपर ही रैंडम कमेंट पिकर से आपको एक ही विनर चुनने का अगले महीना का एक तारीख में, यानी आज 20 तारीख है, अगले महीने का एक तारीख में आपको 199 इंडियन मोबाइल रिचार्ज मिलेगा, मोबाइल रिचार्ज आपको मिलेगा। आप हमारे व्हाट्सएप ईमेल किसी से भी आप ले सकते हो, एक तारीख में आपको 199 मिलेगा। हो सके तो वीडियो को लाइक करना, नया हो तो दोस्तों अगर पसंद हो तो हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा। उतना ही दोस्तों, ये देखो बहुत स्वादिष्ट बन गया है, मैं टेस्ट भी कर लिया हूँ उस वक्त, मैं तो अभी एडिटिंग कर रहा हूँ, ये सब थंबनेल के लिए बना रहा हूँ। आप लोग बहुत सपोर्ट किया इसलिए हमारे चैनल बहुत कुछ नए नए चैनल बहुत आगे आ गया, और मैं ऐसे हर कोई वीडियो क्या दूँ दोस्तों, मेरा तो अफसोस लग रहा है, अच्छा अच्छा वीडियो डालूँ लेकिन नहीं कर पाया। देखो तैयार हो चुका है, मुझे लगता है आप सबको इस वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो जो कुछ करना है कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय असम। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।